सो है गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक स्विंग ट्रेड के बारे में कि मेरे हिसाब से बहुत टाइम के बाद एक ऐसा इतना अच्छा स्विंग ट्रेड देखने को मिल सकता है आपको। तो देखो यार, ये स्विंग ट्रेड हमको देखने को मिलेगा बजाज ऑटो में, ठीक है। तो यार देखो, बजाज ऑटो कुछ हम लोग पहले देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं टाइम पीरियड और देखते हैं। तो देखो यार, लाइन चार्ट पे कुछ ऐसा चल रहा है, ये बहुत दिनों से नीचे जा रहा था, अब एक कमबैक कर रहा है। तो यहाँ से हमें एक अच्छा 10-12% के लिए एक स्विंग ट्रेड देखने को मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये इतनी लाइन में कितनी बार आया और यहीं से नीचे गया था, इतना नीचे गया और एक कमबैक किया, फिर नीचे गया और ये दोबारा कमबैक कर रहा है। तो देखो, तो क्या ये बोल सकते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं थोड़ा इसको और बड़े टाइम पे ले जाता हूँ कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो देखो यार, क्या हम इसे बोल सकते हैं कि ये एक डबल बॉटम जैसा हमें दिख रहा है। मैं आपको इधर अगर बना के दिखाऊँ तो ये देखो, क्या ये वीकली टाइम फ्रेम पे ये बॉटम डबल बॉटम दिख रहा है हम लोगों को। पर यार, हमें डेली टाइम पीरियड में जाना है, ठीक है। ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि लाइक इस तरह से भी आपको एक बड़े लेवल पे ये पता है कि हाँ भाई, ये ट्रेड सही ही जाने वाला है, बुलिश ही होने वाला है। पर हमें अभी से इसमें एंट्री नहीं लेना, अभी भी थोड़ा समय देना पड़ेगा इस ट्रेड में एंटर लेने के लिए। तो ये देखो, अब शॉर्टर टाइम पीरियड पे हमें क्या करना है, तो मैं सबसे पहले जो लोग जल्दी में भाई बता दो कब क्या करना कैसे करना, तो उनके लिए देखो सबसे पहले मैं लेवल ही बता देता हूँ आपको, और जो ट्रेड लॉजिक है वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। तो देखो, ये जो इसका हाई है, ये हमारा होगा पहला टारगेट, कि लाइक हमें पहला टारगेट इधर लेना होगा। और ये जो हमारा दूसरा लाइन है, ये जैसे ही ये पर्पल बॉक्स को ये क्रॉस करता है, तो यानी 3894 या 95 पे हम इसे बाय करेंगे। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो इस सर्कल ये बैंड के नीचे ही होगा। तो हमारा स्टॉप लॉस का कलर थोड़ा रेड कर देता हूँ मैं, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 3651, तो काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस होगा। और ये ट्रेड हमारा होगा 1:2 का, तो हम इधर ही लेंगे इसको, तो ये हमारा ट्रेड हो जाएगा 1:2 या उससे भी ज़्यादा। और इसको थोड़ा हम इधर कर देते हैं, तो ये हमारा 1:8 का ट्रेड हो जाएगा। तो बस आपको ये करना है ये ट्रेड लेने से पहले, कि देखो ट्रेड दो तरह के होते हैं, नहीं तो ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा और भाग जाएगा ऊपर, नहीं तो ये भागेगा फिर नीचे आएगा, फिर धीरे 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 करके पहुँचेगा। तो देखो, जो ये धीरे धीरे करके पहुँचता है, इसमें सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, थोड़ा टाइम लेगा पर ये पता रहता है कि हाँ ये ऑलमोस्ट पहुँच जाएगा। पर ये जो डायरेक्ट कुछ चलते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। तो अगर ये रिट्रेस्ट होके वापस जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको फोमो हो रहा है यार कि अगर भाग गया तो फिर क्या होगा। तो देखो, आपको फोमो लेके नहीं रखना है, तो आपका लाइक आप 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करने वाले थे, तो आप 25,000 रुपये यानी आप जितना भी इन्वेस्ट करने वाले थे उसका 25% आप इस ट्रेड में लगा सकते हो, कि ये जब बढ़े और ये भाग जाए तो आपको 25% पे ही अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। और अगर लग रहा है कि नहीं अभी रिट्रेस हो रहा है, तो आप इधर प्रॉफिट बुक कर सकते हो, नहीं तो उसे रहने दो और वो पैसा रहेगा ही, और आपका 75% डाल के इस ट्रेड में इसे बढ़ने दो। तो आप इस तरह से कर सकते हो, पर देखो यार, आपको ट्रेड तभी लेना है जब ये इस बाउंड्री को पार करे, क्योंकि देखो यार, पिछली बार भी ये यहाँ तक आया था पर फिर से घूम गया था, पर इस बार इसने ब्रेक किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस पर आप ध्यान रख सकते हो। आपको अगले हफ्ते तक यहाँ तक पहुँच सकता है, लाइक ये हफ्ते एंड होते होते को अगला हफ्ता तक ये ट्रेड आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आप अगर आप परसेंटेज टर्म में बात कर ली जाए, तो आप परसेंटेज 10% कमा सकते हो इस ट्रेड में, जिसमें आपका जाने के लिए होगा, एक मिनट थोड़ा गलत लग गया, जिसमें हमारा जाएगा 6% और आएगा 10%। तो ये कुछ ऐसा है, तो हम अगर ये स्टॉक हमारे फेवर में मूव करने लगा तो हम इसको ट्रेल कैसे करेंगे, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जब हमारा स्टॉक हमारे फेवर में चलने लगेगा तो हम उसको ट्रेल कैसे करेंगे। तो देखो यार, इसको ट्रेल करने के लिए एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है जो मैं यूज करता हूँ अपने कोई भी स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए, कि आपको EMA ले लेना है और उसको कर देना है 13
या 20 जो आपको अच्छा लगे, मैं 13 को यूज करता हूँ, तो 13 EMA ले लेना है और इसको चालू कर देना है। जब तक ये स्टॉक 13 EMA के ऊपर चल रहा है हमें इसमें बने रहना है, और जैसे ये 13 EMA के नीचे आ जाए तो आपको एग्जिट कर देना है। ये हमें ट्रेलिंग पर्पज़ से यूज करना है। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा ट्रेड लॉजिक भी बता देता हूँ, ट्रेल कैसे होता है ये तो मैंने बता दिया कि ये स्टॉक में मुझे क्यों पोटेंशियल लग रहा है। अब देखो यार, देखो जो सबसे सिंपल तरीका होता है कि उस स्टॉक में जो बुल हैं वो ज़्यादा भारी हैं या जो बियर्स हैं वो ज़्यादा भारी हैं, ये पता करने के लिए कि वो स्टॉक किसके अंडर है, सबसे सिंपल आपको क्या करना है कि जहाँ से वो बढ़ना शुरू हुआ है वहाँ पर आप इस तरह लो और देख लो कि ये 28 दिनों में 21% का रिटर्न दिया है 19 बार में, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं तारीख कौन सी थी भाई, तारीख 7 तारीख थी। अब पिछले महीने के 7 तारीख में चलते हैं हम लोग, ये रहा 7 तारीख। तो हम इस दिन से लेके देखते हैं अब तक जो बियर्स हैं उन्होंने मार्केट को कितना नीचे लाया या इस स्टॉक को कितना नीचे ला पाए, तो 11% डाउन हुआ है 25 दिनों में। 11% वो लोग जो बियर्स हैं वो नीचे ला पाए हैं, और जो बुल्स हैं वो 28 दिनों में 20% ऊपर ले गए हैं, तो उसका 2 गुना ले गए हैं। इसका मतलब ये कि जो अभी बुल्स हैं वो अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इस स्टॉक में। तो अगर ये सारी क्राइटेरिया मीट करता है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और स्टॉक में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हो। तो बाय।